अगर आपके घर, दुकान या गोदाम में प्याज रखा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि प्याज की बढ़ती कीमतों के साथ ही अब प्याज चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कलवन तालुका के गांव में रहने वाले किसान राहुल पगार ने अपने गोदाम से 35 क्विंटल प्याज चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। जब 7 बजे मैं आया तब यहाँ देखा तो सब गेट के कुल्लू टूटे हुए मिले मेरे को। फिर मैं अंदर गया तो देखा कि मेरे जो कैरेट थे एसपी बाबा नाम के, वो प्याज भर के लेके गए। अज्ञात लोग कौन थे वो मालूम नहीं। प्याज की चोरी हुई है, 35 क्विंटल के प्याज की चोरी होने के मामला कलवन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, उसकी तहकीकात चालू है। महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार के पटना में एक व्यापारी ने अपने गोदाम से प्याज के 358 बैग यानी लगभग 8.5 लाख रुपए की कीमत का प्याज चोरी होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा ताला टूटा हुआ था, अंदर हेले तो देखें कि ऊपर वाला भी गेट का ताला टूटा हुआ है, अंदर फन गए तो देखें कि गोदरेज दोनों गोदरेज का ताला टूटा हुआ है, देखे तो उसमें पैसा भी नहीं है। उसके बाद देखें कि मेरा पैकेट भी वहाँ से उठा हुआ है, पिछला गेट भी ताला भी टूटा हुआ है, पूरा हम लोग का तहस नहस करके सब सारा सामान ले लिया। 8,25,000 के प्याज उठाया है, 1,73,000 रुपये नगद कैश। हाल के दिनों में प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। खुले बाजार में 1 किलो प्याज 70 से 80 रुपए तक बिक रहा है। बढ़ते भाव से आम ग्राहकों को राहत देने के लिए सरकारें आयात से लेकर सब्सिडी पर बिक्री तक की तरकीबें अपना रही हैं। जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं शहरी ग्राहकों की चिंता की जाती है, लेकिन प्याज के आयात से जब दाम गिरेंगे तब किसानों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? क्या सरकार ने इस बारे में कोई आकलन किया भी है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब प्याज के भाव गिरते हैं तो किसानों की ऐसी चिंता क्यों नहीं की जाती? नासिक से भरत घनघाट और दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शशांक पाठक, सुराज।